Hello and welcome. This is Tulika Ganguly, your mentor from Advanced Academy School. आपको क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि इंग्लिश में बात करना क्यों इतना जरूरी है? When we can speak in Hindi, जब हम हिंदी में इतने अच्छे से बात कर सकते हैं, right? हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारी राष्ट्रभाषा है, फिर भी इंग्लिश की क्यों जरूरत है इतनी? First of all, let me all tell you that you all are studying in an English medium school, Advanced Academy Indore, right? First thing. Second thing, आप जरा अपने बैग में सारे बुक्स को निकाल के देखिए और सारे सब्जेक्ट्स निकाल के देखिए. कितने सब्जेक्ट्स हैं? कम से कम 4-5 तो सब्जेक्ट्स हैं ना, मिनिमम, राइट? अब और बड़े होंगे, क्लास 10 तक पहुंचेंगे, तो देयर विल बी 10 सब्जेक्ट्स. ओह माय गॉड. अच्छा, अब ये बताइए कि अभी तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ और आपको भी हिंदी बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपके बैग में जितने सब्जेक्ट्स रखे हैं उसमें हिंदी कितने हैं? हिंदी सब्जेक्ट्स कितने हैं? क्या सिर्फ एक? अरे, लेकिन आप तो हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं. सो माई डियर लवली स्टूडेंट्स, दिस इज द रीजन वाई वी शुड एंड शुड लर्न एंड रिवाइज इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश. वाई? बिकॉज हमारे जो बैग के अंदर जो बुक्स रखे हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 6, और उन 5-6 सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक सब्जेक्ट हिंदी है, जो आपकी राष्ट्रभाषा है. बाकी सब्जेक्ट्स देखिए, जैसे कि मैथ्स, ईवीएस, जीके, कंप्यूटर, क्या है इंग्लिश, ये सब क्या है? दीज आर ऑल इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में है. इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझना और बोलना जरूरी है. तो बोलने से पहले पता है क्या सबसे बेहतर है? सीक्रेट बताऊं? याद रखोगे? सिर्फ याद ही नहीं रखना है, फॉलो भी करना है. तो सीक्रेट ये है कि जितना ज्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश भाषा को सुनेंगे और पढ़ेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे, दैट इज लिसनिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स, ये दोनों स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कि हमारा काम बहुत आसान कर देता है. इसीलिए तो कहती हूँ कि इंग्लिश में रिवाइज करना या इंग्लिश में थोड़ी बहुत बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड स्पेशली अगर आप अपना कार्टून चैनल, फेवरेट कार्टून चैनल देखना पसंद करते हैं या कोई भी मूवी देखना पसंद करते हैं, तो वही सीक्रेट ज़रूर अप्लाई करिए, दैट इज लिसनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. आपको मदद की ज़रूरत है, यू कैन यूज़ द सबटाइटल. सबटाइटल मतलब जब आप कोई मूवी देखते हैं या कोई कार्टून मूवी देखते हैं, तो उस मूवी के नीचे इंग्लिश में लिख के आता है जो भी डायलॉग वो कैरेक्टर बोलता है. देखा है ना, नीचे लिख के आता है इंग्लिश में. प्रेफर कि आप उस इंग्लिश लैंग्वेज की सबटाइटल्स को देख के पढ़ते रहें और सुनते भी रहें. तो सुनते भी रहेंगे और वो जल्दी जल्दी लिख के जाता है ना, तो उसको जल्दी जल्दी पढ़ना आपको आना होगा, तभी तो आप मूवी का मजा ले पाएंगे. That is the secret, my lovely students. वो मैंने आज आपको बता दिया. यही सीक्रेट है, मैंने भी ऐसे ही सीखा है. Right? The listening and the reading skills. उसके बाद automatically writing और speaking skills अच्छी हो जाती हैं. Believe me, सच्ची में. So आज से ही आप, और अभी से ही आप, जब भी टीवी देखेंगे या फिर कोई भी कार्टून देखेंगे या कोई भी मूवी देखेंगे, इनफैक्ट न्यूज़ भी देखेंगे, तो इंग्लिश में ही देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि घर में अक्सर हम लोग इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. थोड़ा सा ही तो टाइम मिलता है पेरेंट्स के साथ बात करने का, वो भी इंग्लिश में. कोशिश करिए कि आप छोटे मोटे सेंटेंसेस अपने मम्मी पापा के साथ बोल सके. मम्मा, आप क्या कर रहे हो? मे आई हेल्प यू? मम्मा, कैन आई ब्रिंग दिस ग्लास फॉर यू? सिंपल. मम्मा, माई होमवर्क इज फिनिश. देखा, छोटे छोटे सेंटेंसेस. दीज विल डेफिनेटली हेल्प यू to improve your language. और सिर्फ improve language in speaking नहीं, reading also, जो कि आपकी पढ़ाई में भी आपको मदद करेगी. कैसे? जो questions हम पूछते हैं आपसे, what is this, how is this, why is this, when is this, oh my god, ma'am कितने सारे questions पूछती हैं.
तो ये समझने में आपको बहुत आसानी होगी. Why? Because you have done the reading and as well you listen very well. Alright, my lovely students, I love you all. Take care of yourself and keep revising this secret tips. Now let's begin with some daily communication. Are you ready? How are you? How are you today? Are you feeling better today? I want you to feel better. Okay, let's do this. Let's begin our lesson now. We will listen, read and speak in English from today and every day. We'll listen and learn. Hey, I completed my homework all by myself today. Woohoo! I feel so relaxed. Bye-bye. I share a few more tips and sentences with you. Keep handy. Enjoy yourself. Thank you for watching it.